हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा, अगर आँख से जल जाते हैं तो जलने पर क्या इलाज दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जलन होती है तब कौन सा इलाज दिया जाता है। जलने की कैटेगरी भी मैं बताऊंगा, जैसे फर्स्ट डिग्री का अगर जला है तो क्या करें, सेकंड डिग्री का जला है तब क्या करें, थर्ड डिग्री का अगर जला है तब क्या करें। कई बार क्या होता है, हल्का जल जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, और उसके लिए घर पर क्या ट्रीटमेंट करें, क्या मेडिसिन रखें, कौन सी क्रीम रखें घर पर ताकि उसको लगाएं तो आपको तुरंत आराम मिल जाए। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा, अगर जल जाता है तो उसको कैसे घर पर बैठ कर आप इलाज कर सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। तो वीडियो को लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, मैं देरी को शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज हम बात करें आँख से जल जाने पर क्या क्या इलाज दिया जाता है। सबसे पहले हम जलने के कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जब किसी का अगर हाथ या पैर या बॉडी या कोई पार्ट जलता है तो उसकी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर ऊपर वाली खाल जो होती है सिर्फ ये जलती है तो उसको फर्स्ट डिग्री बोला जाता है, यानी फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है उसका इलाज उस हिसाब से दिया जाता है। जब ये वाली लेयर जल जाती है, इसके अंदर एपिडर्मिस लेयर जो होती है वो भी जल जाती है, दोनों लेयर जल जाती है, तब उसको सेकेंड डिग्री का बर्न बोला जाता है। उसमें क्या होता है, छाले टाइप के बन जाते हैं, फोरो टाइप के बन जाते हैं। तीसरा होता है जैसे कि थर्ड डिग्री का जो बर्न बोला जाता है, जब बहुत ज़्यादा जल जाता है, जलने के बाद काला काला हो जाता है, घाव से बन जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, और वो बिल्कुल स्कार जैसा आ जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसको थर्ड डिग्री का बर्न बोला जाता है, यानी उसको तीसरी डिग्री कैटेगरी में रखा जाता है। अगर अब जल गया तो उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फोड़े बनने लगेंगे, ब्लिस्टर बनने लगेंगे, दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी, सूजन वगैरह आने लगेगी, शॉक की कंडीशन में भी चला जाएगा पेशेंट, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी, और पेशेंट का बीपी वगैरह भी कम हो सकता है, और बाकी पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अब जैसे कि अगर जल गया है कोई भी पेशेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर फर्स्ट डिग्री का जला होता है तो उसमें ठंडा पानी डाल सकते हैं आप, ठंडा पानी डालने से भी उसमें राहत मिलती है, बाकी आइस पैक वगैरह लगा सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की क्रीम भी लगा सकते हैं, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट होता है, इस क्रीम को आप लगाएंगे तो आपके जलन जो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो आप टाइनापार इंजेक्शन लगा सकते हैं पेशेंट को, बाकी अगर वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा रहता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है तो एंटीबायोटिक उसमें वहाँ पर प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि अमोक्सिक्लेव 625 आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो जीरोडोल एसपी दे सकते हैं वीडी में, और गैस के लिए पेंटोप डीएसआर दे सकते हैं। थर्ड डिग्री का अगर जला होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर जल जाता है, वहाँ पे एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी इस्तेमाल में लाया जाता है, वो आपको हॉस्पिटल में भी दिया जाएगा, ऐसे मोनोसेपेस भी या और कोई भी एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर चॉइस कर सकता है, डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी ऑफ बर्न है। तो ये इलाज जो सुबह शाम दिया जाता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देखने के बाद दिया जाता है किस तरह का जला हुआ है। अगर आपके घर पे ही अगर आपका हल्का फुल्का जल जाता है, आप सिल्वर नाइट्रेट की क्रीम घर पर रख सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं। बाकी आप दही से जब दही जमाते हैं, दही को जब चलाते हैं ना, तो वहाँ पे एक नैनी नाइफ मिलती है, उस नैनी को भी आप लगा सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। बाकी आपने जले पे अगर हल्का जला है तो वहाँ पे आप आइस पैक वगैरह ठंडे पानी से भी आप रख सकते हैं, ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मैंने बताया अगर जल जाता है तो उसको क्या क्या इलाज दिया जाता है और किसी कैटेगरी का होता है। तो हौसलो गाइस, आपको पूरा समझ में आ गया, समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।